कंपेन चलाया है डोर टू डोर कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मस्जिद है या फिर किसी तरह के कैटेगरी काम करने से होता है। जिला पुलिस कप्तान जसनदीप सिंह रणधावा के निर्देश अनुसार लॉकडाउन का पालन न करने एवं जरूरी सामान की दुकानों के अलावा कोई दुकान खोले जाने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा 30 मामले दर्ज करते हुए करीब 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र ने प्रेस वार्ता करते हुए अहम जानकारी दी है। डॉक्टर रविंद्र ने बताया कि पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए 219 वाहनों को जब्त करने के साथ साथ 1641 वाहनों के चालान भी किए हैं ताकि लोगों को लॉकडाउन का अर्थ समझ आ सके। इसके साथ ही जनता से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करना जनता के हित में लिया गया एक ऐसा फैसला है जिससे आमजन को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना के संदिग्ध 11 व्यक्ति ईदगाह वे 8 व्यक्ति देवडू रोड सोनीपत के रहने वाले हैं जिन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। इसके अलावा 7 व्यक्ति जो दिल्ली गए थे उनकी पहचान नजफगढ़ के दीनपुर निवासियों के रूप में हुई है जिन्हें नजफगढ़ दिल्ली में क्वारंटीन किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़े ही सख्त आदेश पास किए हैं जो कि 144 धारा पूरे हरियाणा में लगा दी गई है। उसके तहत सोनीपत में 144 को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जिसमें कि जो भी किसी तरह की 144 की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ हमने 188 की कार्रवाई की है। जो अब तक अगर मैं टोटल जितने भी वायलेशन हुए हैं सोनीपत के रिगार्डिंग अगर टोटल एमवी एक्ट के चलान की बात करूँ तो टोटल अब तक 1641 चलान हो चुके हैं और उसके साथ इम्पाउंड लगभग 219 व्हीकल हमने किए हैं और जो 144 के वायलेशन हैं जिसके खिलाफ हमने लगभग 30 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके साथ साथ अगर मैं नाका की बात करूँ तो इंटर स्टेट जो हमने नाका है 5 इम्प्लीमेंट किए हैं जो कि 3 दिल्ली से सटे हुए हैं और 2 यूपी से सटे हुए हैं। उसके साथ ही हमने लगभग 25 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई है जो राउंड द क्लॉक पूरे डिस्ट्रिक्ट में गश्त कर रही है। अगर एक्सक्लूसिव सिटी सोनीपत की बात करूँ तो हमने 10 सीलिंग नाका लगाए हैं यहाँ पे और बड़ी मुस्तैदी से सभी नाकों पे चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अगर मैं शेल्टर होम की बात करूँ तो टोटल हमने 5 सिटी में शेल्टर होम बनाए हैं जिसमें लगभग हमारे यहाँ पे 1000 के करीब लोग ठहरे हुए हैं और उसके साथ सब डिवीज़न में अलग से शेल्टर होम बनाए हैं। जी सर, खाने का वहाँ से किसी तरह का ऑर्डर नहीं मिल पा रहा तो हमने सिविल प्रशासन के साथ मिलके एक कंपेन चलाया है डोर टू डोर कि जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मस्जिद है या फिर किसी तरह की गैदरिंग का हमें अंदेशा होता है वहाँ पे प्रॉपरली हम पर्सनली वहाँ पे जाके उनका अवेयर कर रहे हैं और उनकी किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं।